खबर महाराजगंज रायबरेली से, जहां बसरावा विधानसभा से पूर्व विधायक रामलाल अकेला ने महाराजगंज वाया इन्होंने मार्ग के शुद्धिकरण को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक रामलाल अकेला व बसरावा विधानसभा अध्यक्ष राकेश त्रिपेदी उर्फ आलू महाराज के नेतृत्व में कई सपाई मिलकर महाराजगंज वाया इनेना मार्ग के शुद्धिकरण को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रामलाल अकेला ने बताया कि 20 मई तक अगर इस रोड का शुद्धिकरण के लिए काम नहीं लगता है तो हम सभी क्षेत्रों की जनता के साथ मिलकर डेपर मऊ चौराहा पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अगर इसके बाद भी काम नहीं लगता तो हम सभी मिलकर रोड जाम करेंगे। वही विधानसभा अध्यक्ष राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज ने बताया कि उस रोड पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, फिर भी भाजपा सरकार को तारीफ पर तारीफ मिलती रहती है। आज हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से यह ज्ञात कराया है कि अगर यह ज्ञापन देने के बाद भी रोड पर काम नहीं लगा तो हम लोग रोड जाम करने को बाध्य होंगे। विधायक जी, आज एक ज्ञापन सौंपा हो उप जिलाधिकारी महोदय को, क्या मामला है? विधानसभा क्षेत्र बछरावा के लिए महाराज जी इन्होना मार्ग रीढ़ की हड्डी की तरह, और वह मार्ग इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है कि साइकिल और बाईसाइकिल से भी चलना उस सड़क पर बहुत मुश्किल और कठिन हो गया है। अनेकों दुर्घटनाएं उस सड़क पर रोज होती हैं, और कोई मोटरसाइकिल से गिर रहा है, कोई साइकिल से गिर रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो रहा है। इस तरीके की दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। हम लोगों ने कई बार उच्च अधिकारियों से कहा कि सड़क का जीर्णोद्धार कराया जाए, किसी ने कोई बात सुनने का काम नहीं किया। तो आज क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद हमने उप जिलाधिकारी महोदय को इस आशय से ज्ञापन दिया है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष राकेश त्रिवेदी जी, माता फिर भाई सिंधादीन यादव जी, राम कुमार सिंह, मोनू यादव जी, हमारे सारे साथी द्वारिका सिंह जी, सब लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है कि अगर 20 तारीख तक उस सड़क पर जीर्णोद्धार का काम प्रारंभ नहीं किया गया तो 21 जुलाई 2017 से डेपार मऊ चौराहे पर समाजवादी पार्टी के लोग अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करेंगे, और उस धरने से भी अगर सड़क का के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो धरना देने के बाद डेपार मऊ और मऊ से लेकर के महाराजगंज तहसील तक मानव श्रृंखला बनाकर पूरे क्षेत्र को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र के किसान और नौजवान एक नए तरीके का आंदोलन इस क्षेत्र में छेड़ने का काम करेंगे, और पूरी तहसील को हम जाम करने का काम करेंगे जनहित में, क्योंकि किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है, सबके पैर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं। ऐसी दुर्दशा क्षेत्र में किसी भी सड़क की नहीं है जितनी महाराजगंज इन्होंने मार की है। इसलिए आज हम सब लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय, प्रमुख सचिव लोक निर्माण, प्रमुख सचिव गृह, सबको पत्र भेजा है कि इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल सड़क के जीर्णोद्धार का काम प्रारंभ कराने का काम किया जाए। आदरणीय माननीय विधायक जी के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसी को हम जोड़ते हुए कहना ये है कि 4.5 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश की आए दिन फेसबुक व्हाट्सएप पे देखने को मिलता है तारीख बतारीख, तारीख बेतारीख कार्य हो रहा है कागज पर, और कहीं से जमीन पे दिखाई नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सड़क कभी भी गड्ढे में तब्दील नहीं होने पाएगी। इसी के साथ